ऑटोकैड सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में कन्वर्ट टू एमटेक्स कमांड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये कमांड एक्सप्रेस मेनू का कमांड है। तो आप एक्सप्रेस मेनू में जाके टेक्स में जाके ये देखिए कन्वर्ट टेक्स टू एमटेक्स, ये कमांड है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट की से इस्तेमाल करना है तो उसका शॉर्ट की है TXT to MTXT, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस कमांड का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, इस कमांड का इस्तेमाल आप किसी भी सिंगल टेक्स्ट को मल्टी टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख के रखे जो सब सिंगल टेक्स्ट है। देखिए इस तरह से, ये देखिए सब सिंगल टेक्स्ट है। मैं आपको इसको मल्टी टेक्स्ट में कन्वर्ट करके बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये सिंगल टेक्स्ट है। तो अभी मैं कमांड देता हूँ TXT to MXT और इंटर करता हूँ। उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इंटर करना है। तो देखिए ये मल्टी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ऊपर की तरफ मल्टी टेक्स्ट का टेबल आ गया, मतलब ये मल्टी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह ये तीन टेक्स्ट है, 1, 2, 3, तो इसको भी आप एक साथ मल्टी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सप्रेस मेनू टेक्स और कन्वर्ट टू एम टेक्स कमांड को लेना होगा। उसके बाद इस तरह से आपको सिलेक्ट करना होगा और इंटर करना होगा। तो देखिए तो इस तरह से तीनों टेक्स एक साथ मल्टी टेक्स में कन्वर्ट हो गए। तो दोस्तों उसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। तो फिर से मैं कमांड लेता हूँ TXT to MXT, उसके बाद आपको फिर से एक बार इंटर करना है। तो ये देखिए इस तरह से आपका एक टेबल आ जाएगा। तो उसमें देखिए उसमें जो सिलेक्शन है वही रखना है, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो उसमें जो सिलेक्शन है शॉर्ट टॉप डाउन, तो वही सिलेक्शन आपको रखना है, ओके करना है। ये डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहता है, फिर भी आपको एक बार मैं बता दिया। तो उसके बाद आपको इस तरह सिलेक्ट करना है और इंटर करना है। तो देखिए ये कन्वर्ट हो गया इस तरह से। इसी तरह फिर से मैं इस एक बार और आपको बता देता हूँ TXT to MXT और इंटर करता हूँ मैं। उसके बाद ये देखिए इस टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट करना है। इस आप सिंगल सिंगल भी इस तरह से ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मल्टी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह आप इस कमांड का प्रैक्टिस करके देखिए और हमारे आगे की वीडियो देखना ना भूलिए। शुक्रिया।